दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सेक्शन में, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई या रिपोर्ट की गई फोटो वीडियो सूचना को शेयर करते हैं। तो अगर आप भी कोई रिपोर्ट हम सभी से शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है teesriaankh_channel@rediffmail.com। सब्जेक्ट में कृपया लिखें तीसरी आंख रिपोर्टर, और जो भी रिपोर्ट आप हमसे शेयर करना चाहते हैं वह हमें बेझिझक भेज दें। दोस्तों जो पहला यूएफओ वीडियो है आज का, वो हमें भेजा है दीपक रायकवार जी ने जबलपुर मध्य प्रदेश से। यह यूएफओ नर्मदा नदी के ऊपर शाम के समय देखा गया था। इस वीडियो में आप भी कुछ मंत्र वगैरह की आवाज सुन पा रहे होंगे, जो शायद नदी के किनारे शाम के समय पूजा हो रही है। इसमें हम दो सफेद रोशनी देख सकते हैं, एक तो शायद नॉर्मल सा रोज दिखने वाला स्टार या प्लेनेट हो सकता है, और दूसरी रोशनी जो आ रही है, जो दिख रही है, वही यूएफओ इन क्वेश्चन है इस वीडियो में। क्योंकि कोई भी स्टार या प्लेनेट नॉर्मली अपनी जगह से एकाएक गायब तो हो नहीं सकता। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन क्योंकि दूरी बहुत है तो इसे जूम करने पर भी ज़्यादा कुछ क्लियर साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन आप भी देखिए इस वीडियो को। आज का ये अगला वीडियो कृष्णा सिंह ऐश बाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमको प्राप्त हुआ है। क्या हमारे आसमान में एक नहीं बल्कि दो दो चांद हैं? अगर आपको इस बात की भनक नहीं है या कोई आइडिया नहीं है तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। वैसे काफ़ी रिसर्च के बाद हमें लगता है कि यह प्लैनेट वीनस का ही वीडियो है, मगर वाकई ये वीडियो बहुत ही चौंकाने वाला वीडियो है, क्योंकि एक ही वीडियो में वीनस और मून पर इतना क्लियरली फोकस वाला वीडियो बहुत कम ही देखने को मिलता है।
दोस्तों, पिछले साल हमने आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक जिम पार्क में भूत होने की बात बताई गई थी और ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। मगर बाद में पता चला था कि वह झूले या जिम इक्विपमेंट जो थे वो ज़्यादा ग्रीस या चिकनाहट होने की वजह से काफ़ी देर तक यूं ही चलते रहते थे। हालांकि ये वीडियो हमें पहले ही शेयर करना चाहिए था, मगर चलिए देर से ही सही, आप भी देखिए ये डीबंक करने वाला वीडियो। और इस डीबंक वीडियो को हम तक पहुंचाया है विवेक जी ने, जो गुरुग्राम के निवासी हैं। लेकिन देखेगा कौन? तुम लोग देखोगे, करोगे? हैं? तुम बोलते जाओ, इसमें पीछे क्या है? बस वीडियो बोलते, ऑडियो तुम्हारी सेट हो जाएगी। चालू हो गई, चालू हो छोड़ देना भाई, रास्ते कर दे अपने। बंद कर दो, बंद कर दो, पहले बंद कर दो। ये जो काशीराम पार्क का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की सच्चाई केवल इतनी है जो पुलिस प्रशासन ने लाइव नहीं दिखाया, और इसकी वजह से अफवाह लगातार 2-3 दिनों से आ रही है। और यहाँ पर जितने भी मोहल्ले के बच्चे हैं और आसपास का जो इलाका है, जिसको झांसी को एक ऐसी भूत के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है कि झांसी में भूत है, झांसी के एक पार्क में भूत है। अभी आपको लाइव सच्चाई दिखाएंगे। पकड़ो भैया आप जरा, अच्छा आप करो, देखो अभी अभी इनने हिला दिया है, तब वो आप वो वाला भी हिलाओ जाके, अभी दूसरे वाले को भी हिलाएंगे। हाँ ये हिलाओ, अब ये दोनों हिल रहे हैं। अब कोई हिला करके वीडियो बनाएगा और उसको कह देगा इसमें भूत बैठा हुआ है, तो उसको डराने की एक कोशिश है और पार्क को बदनाम करने की कोशिश है। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि काशीराम साहब के नाम से पार्क बना हुआ है तो काशीराम जी की आत्मा इसमें ढूंढ ले। देखो इसमें छोटा सा बच्चा अपना बालक है, वो यहाँ पर बैठेगा और अपना जिम भी करेगा। ना कोई भूत है, ना कोई भविष्य है, यहाँ सब कुछ जो है वो वर्तमान है। तो इस प्रकार की अफवाहों को आगे रोका जाए। देखो दो बेचारे बालक हैं, देखो उसकी मदद, बैठो 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 बैठो। देखो अपने सेठ जी ने पकड़ा और ये चालू हो गए। अब यहाँ पे कौन सा भूत बैठा है और कौन सा है, तो इस प्रकार की अफवाहें न फैलाई जाए, यही आप सभी से निवेदन है।